चलिए आगे बढ़ते हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज कई जगहों का दौरा है। आज सुबह 10 बजे भोपाल से बैतूल के लिए वो रवाना होंगे। सुबह 11 बजे जल गंगा संवर्धन अभियान में शामिल होंगे और कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे छिंदवाड़ा के लिए रवाना हो जाएंगे और छिंदवाड़ा में भी जल गंगा संवर्धन अभियान में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड में स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री और शाम 5 बजे भोपाल में गौ रक्षा वर्ष की समीक्षा बैठक में वो हिस्सा लेंगे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुबह 10 बजे भोपाल से बैतूल के लिए रवाना होंगे और सुबह 11 बजे जल गंगा संवर्धन अभियान में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। कई विकास कार्यों का लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे और इसके साथ साथ छिंदवाड़ा में भी उनका आज कार्यक्रम है, तो गोरक्षा को लेकर भी एक बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री वापस भोपाल आकर बैठक में हिस्सा लेंगे। तो बैतूल और छिंदवाड़ा का दौरा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। सुबह 10 बजे भोपाल से बैतूल के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे जल गंगा संवर्धन अभियान में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। लगातार आज मैराथन बैठकें करते हुए नजर आएंगे, काफी व्यस्त आज का उनका कार्यक्रम है। छिंदवाड़ा और बैतूल का उनका दौरा है, जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर जो कार्यक्रम है उनमें शिरकत करेंगे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता मनीषा त्रिपाठी जुड़ रही हैं। मनीषा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज काफी व्यस्त कार्यक्रम है, कई विकास कार्यों को लेकर बैठक लेते हुए नजर आएंगे। बताइए क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ बड़ी बातें हैं मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर आज? देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव अब खत्म हो चुके हैं उसके बाद लगातार देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो है वो मध्य प्रदेश के कई जिलों में एक एक करके दौरे हो रहे हैं। उसी के चलते आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो मध्य प्रदेश के दो जिलों के दौरे करने वाले हैं, जहाँ वो सुबह 10 बजे के आसपास बैतूल के लिए रवाना होंगे। बैतूल में वो जल संरक्षण जो गंगा संवर्धन अभियान है उसमें वो शामिल होने वाले हैं और उसके बाद फिर लोगों से बातचीत करेंगे। वहाँ कई स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, लोकार्पण करेंगे कई विकास कार्यों का, साथ ही साथ वहां पर आम जनता से भी बातचीत करेंगे, उनके बीच जाके उनके मुद्दों को जानने की कोशिश की जाएगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से। उसके बाद करीब 1 बजे वो छिंदवाड़ा के लिए रवाना होंगे और छिंदवाड़ा में भी यही चीज होगी, जल गंगा संवर्धन अभियान में छिंदवाड़ा में भी वो शामिल होंगे। क्योंकि देखा जा रहा है कि बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में ये अभियान जो है वो काफी ज्यादा तेजी से चलाया जा रहा है। ऐसे में राजधानी भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश के कई ऐसे और जिले हैं जहां पर इस अभियान को काफी ज्यादा महत्व देते हुए जो पूरे सफाई अभियान चल रहा है और जो जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है इस पे पूरे तरह से ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ वहाँ भी कई स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के साथ साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा में भी आम जनता के बीच जाके आम जनता के मुद्दों को समझने की पूरी कोशिश करेंगे और उसके बाद करीब शाम 5 बजे वो राजधानी भोपाल वापस आएंगे। राजधानी भोपाल वापस आने के बाद उनका एक कार्यक्रम है जो वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो जिनका सीएम हाउस में ही कार्यक्रम होने वाला है और वहाँ पर वो गौ रक्षा 2024 के लिए जो है वो अभियान की शुरुआत करने के लिए बैठक करेंगे और जितने भी बड़े अधिकारी पदाधिकारी नेता हैं उन सभी से बातचीत की जाएगी और राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश में पूरे गौ रक्षा किस तरीके से करनी है और क्या पूरी व्यवस्थाएं रहेंगी, इन सभी मुद्दों पे जो है वो चर्चा की जाएगी। जी ठीक है मनीषा, बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए।